नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज मैं मंदसौर आया था और यहां पर मैंने देखे हैं पंजे, कल्टीवेटर, सत्ते। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए बड़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि आप किसान हैं। बाकी यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर एक तो इन्होंने बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें देखने को मिली, उसके अलावा बिल्कुल इसको एक नए लुक में तैयार किया है। उसके साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैवी मटेरियल है उसका यूज इसमें किया गया है, तो इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए किसान मित्रों, इसके बारे में ले लेते हैं डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको देखने में ही आपको बहुत ही अच्छा और यूनिक फील यहाँ पर होगा, जो कि इसका लुक देख सकते हैं बिल्कुल ही प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लुक आपने देखा होगा तोता प्लाव में, और तोता प्लाव से याद आया जहाँ पर ये, अगर आप इसका उपयोग करने के बाद, जब इसको खरीद लेंगे उसका उपयोग करने के बाद, जब आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं भैया हमको इसको तोता प्लाव में भी कन्वर्ट करना है, तो आप इसको तोता प्लाव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा और जो तोता प्लाव में जो सब्बल आती है वो सब्बल इसमें लग जाएगी और ये पूरी तरीके से आपके लिए तोता प्लाव बनकर भी तैयार हो जाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट लेंगे दो काम करेगा, यानी पंजे का काम भी करेगा और तोता प्लाव का भी काम आसानी से करेगा। उसके अलावा अपन चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो बोल्ट लग रहे हैं ये भी काफ़ी हेवी मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर इन्होंने प्लेट का यूज़ किया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिली है, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने स्टील के नट बोल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ये गोलाई वाला जो बोल्ट आता है उसका यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो जो धूल होती है वो धूल इसके अंदर नहीं जाती है, जिसके कारण जब भी अपन इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल जैसा नया रहता है उस प्रकार से खुलेगा। उसके साथ ही साथ जब किसान है अपन तो काफ़ी ज़्यादा खाद के कट्टे हैं या फिर खेतों से भी सोयाबीन के कट्टे हैं, गेहूं के कट्टे जब लेकर आते हैं तो कभी बहुत सी बार अपन पंजों के ऊपर ही रखकर लाते हैं, तो इससे थोड़ी सेफ्टी भी होगी। यहाँ पर ये जो गोलाई है बिल्कुल, तो ये कट्टे के अंदर नहीं घुपेगा और अपना कट्टा भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। जैसे अपन जो दूसरे पंजे और कल्टीवेटर अपन देखते थे तो उनमें किसान मित्रों यहाँ पर अपने को एक जायंट देखने को मिलता था यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल जायंट ना देते हुए इसको बिल्कुल पूरी एक ही सब्बल रखी है, जिससे इसकी मजबूती में और यहाँ पर बढ़ जाती है, इसकी मजबूती और बढ़ जाती है और अच्छा सपोर्ट भी इसको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही हैवी मटेरियल का यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ISI मार्के वाले बिल्कुल हैवी यहाँ पर लोहे का इसमें यूज़ किया गया है। हैवी मटेरियल का यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि चीज़ सालों साल चलती है। और अपन इस 5 टाइम्स वाले, अगर इस पंजे की अगर अपन बात कर रहे हैं इसके वज़न की, तो ये 2 क्विंटल और 70 किलो का इसमें वज़न है। साथ ही साथ जो अपन 7 टाइम्स वाले की बात करेंगे तो 2 क्विंटल 90 किलो का है, और जो 9 टाइम्स में भी यहाँ पर पंजा उपलब्ध है उसकी कीमत की उसके वजन की अगर बात करेंगे तो 3 क्विंटल और 20 किलो का वो आने वाला है। हालांकि हमने कीमत के बारे में भी इनसे चर्चा करी है तो इनका भी कहना है कि शिवराज जी ये लोहे की चीज़ें हैं और इनका लोहे का जो भाव है कभी भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो जब भी किसान मित्रों को इसका खरीदने का मन हो या इसके बारे में जानकारी अधिक लेना हो तो ये हमसे संपर्क कर ले, हमारे जो दिए गए नंबर हैं इनसे संपर्क कर ले, तो हम उन्हें कीमत सहित और भी वो कोई जानकारी अगर वो लेना चाहे तो जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो ये चीज़ कीमत के बारे में भी क्लियर कर दी किसान मित्रों हमने। अब बाकी चलते हैं इसकी और क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर किसान मित्रों, जैसा कि अपन पंजा खरीदते हैं और जब अपने खेतों में जब अपन क्यारियाँ बनाते हैं तो क्यारियाँ बनाने के लिए भी यहाँ पर दे सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर होल दे रखे हैं, जिससे अपन क्यारियाँ बनाने के लिए, जैसे कि कोई लकड़ी का पट्टिया भी बहुत सारे किसान मित्र यूज़ करते हैं या फिर चद्दर शेड आप यूज़ करें तो बढ़िया है, ताकि उनमें भी आप छेद करवा ले, होल करवा ले, और नट बोल्ट की सहायता से बिल्कुल आप यहाँ पर लगाकर आसानी से जो बढ़िया बढ़िया क्यारियाँ बना सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सी बार जो अपन इंगल लगाते हैं जब क्यारियाँ बनाते हैं उस वक्त, तो उस इंगल की सेफ्टी के लिए, यानी जब अपन वापस से अपना काम फ्री होकर वापस जब घर ले जाते हैं तो उस इंगल को रखने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर ये मजबूती के साथ यहाँ पर इन्होंने ये दिया है जगह, ताकि उस इंगल को आसानी से अपन यहाँ रख कर आसानी से घर ले जा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसान मित्रों। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यही होता है, यानी कि बनते भी यहीं, ये पेंट भी यहीं होता है, जैसा कि देख ही सकते हैं यहाँ पर ये
पेंटर साहब यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इनकी जो ब्रांडिंग है मॉडर्न आयरन इंजीनियरिंग वर्क्स, ये पूरी जो पेंटिंग है ये भी यहीं होती है। तो एक पूरा इन पे जो आधुनिक मशीनें हैं और इन आधुनिक मशीनों के द्वारा ही यहाँ पर जो कृषि उपकरण तैयार करते हैं, जिसमें यही नहीं पंजा, टिलर, कल्टीवेटर, इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये ट्रॉली भी यहाँ पर तैयार हो रही है, जो कि यहाँ की ट्रॉली की बहुत ही बड़ी एक डिमांड किसानों में रहती है कि मॉडर्न ट्रॉली जो कि बहुत ही प्रचलित है हमारे क्षेत्र में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रॉली का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। इनके मुख्यतः कामों में से एक काम ये ट्रैक्टर लोडर का भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके यहाँ पर ये जेसीबी का रूप दे देते हैं। और ये फिलहाल है ट्रैक्टर लोडर, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ मुख्यतः चीज़ें थी, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हमारे जो अन्य किसान मित्र हैं उन तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।